गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। लगता है तबर पूछ खोलेगी तो हम छीन लेंगे। गुड मॉर्निंग सर। 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 सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Yes, sir. Yes, sir. सामने ना हम भी खाएंगे देखो। एक दो नहीं। क्या एक एक मिनट सर कोई बोलेंगे तब ना। यस सर। यस सर। यस सर। सर आज पेज नंबर 132 एट नंबर करेंगे। मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर सिनोनिम। तो मैच द फॉलोइंग करते हैं। डेंजरस। मैच द वर्ड रिस्की टू डेंजरस। मैच द वर्ड रिस्की टू डेंजरस। मैच द वर्ड रिस्की टू डेंजरस। Match the words risky to dangerous. Have you done? Yes, sir. Miserable. You have to match miserable to unhappy. Match the word miserable to unhappy.
miserable to unhappy. Miserable to unhappy. अभी जाओ बाद में बोलना. Miserable to unhappy. Miserable to unhappy. Miserable to unhappy. Quite. Quite. Silent. You have to match with silent. Quite. 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 You have to match with silent. Okay. Yes, sir. Then you have clean. Clean you match with tidy. Tidy. Clean you have to match with tidy. Clean you have to match with tidy. Clean you have to match it with tidy. Very good. Comical. Comical you have to match funny. Comical you have to match with 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 funny. Then injure you have to match with hurt. 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 Idle you have to match doing nothing. Idle you have to match with doing nothing. Idle you have to match with doing nothing. Pratyush Raj. चैट बॉक्स में हाथ क्यों उठाया? सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. अभी नहीं आ रहा है सर, अभी थोड़ा सा धीरे धीरे कट कट के आ रहा था थोड़ा देर से. सर अभी आ रहा है या नहीं अभी बताओ. सर अभी फिर से कटा बीच बीच में. सर आपका आवाज कट कट जा रहा है. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में लिख लूंगा. ठीक है ठीक है सर. फिर से ऑन करते हैं देखते हैं. ब्लूटूथ अब मेरे ख्याल से जाएगी आवाज पूरा. यस सर अब आ रहा है. यस सर ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ये अच्छा है. Answer corresponds. Answer you have to match with response. Answer you have to match with response. Answer you have to match with response. Now we have question number 9. Fill in the blanks with opposite of the underlined words. Okay, now I will do it. This one I will do it. In whiteboard so that you can see also. So this is whiteboard. Okay. Neha Sinha ka naam. Neha Sinha ka naam. लगता है छड़ी सब भूल गया इसी वजह से. इतिहास में ड्राइंग कर मेरे पास बुक है. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं. हेडिंग देता हूँ
English 1. Class 3A. कौन है क्वेश्चन नंबर 9 ए नंबर रजत रूम वाज मेसी बट हिज मदर वाज नीट एंड राइट आंसर नीट एंड क्लीन देन बी नंबर इज दिस ब्रेड फ्रेश और old you may write what I have written old stale and old okay is this bread fresh or stale 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 or old stale or you may write old also in c number you have The Thar is barren area, whereas the Indo-Gangetic plains are very fertile. The right answer, fertile. G number you have. Yeah. Always remember to lock the house before you leave. Not forget, right? Forget. Number E. The cinema hall has secret exit and entrance. Then F number. The teacher gave all the answers to the questions. Then G number. Always be cautious while driving a slight incaution. Incautions. मेरा ही कोई वीडियो चल रहा है आवाज आ रहा द लायन इज अ डेंजरस बीस्ट व्हाइल द डियर इज सेफ सोनाक्षी यस सर क्या बात है चैट बॉक्स में आशीर्वाद वाला हाथ था हुआ सर इंग्लिश फर्स्ट क्लास 4 ही होगा वहां पे आप 3 लिखे थे कहीं तुम लोग 3 में तो नहीं हो नो सर 4 है चलो अब आज हम लोग आएंगे राइटिंग स्किल्स पेज नंबर 182 राइटिंग स्किल्स सबसे पहले समझाया जाएगा इसके बाद इस पर हम बताएंगे कि क्या करना है ऐसे राइटिंग दो ऐसे देंगे और उस ऐसे को फिर ठीक है हाँ मादी मैं कौन है बे देखो सारी बात रिकॉर्ड हो रही है जिसके घर से आवाज आ रही है पहले से बाहर कर इस तरह से हल्ला नहीं करना चाहिए गुनगुन कुमारी कुछ पूछना है या सर में तेल लगा लो गुनगुन कुमारी यस सर क्या बात है सर में तेल लगाना है कि पढ़ना है सर बदमाशी करती है अच्छा बदमाशी करती है अच्छी स्कूल खुलेगा तो फिर इसको पिटेंगे
ओके ओपन योर बुक एट पेज नंबर 133 अब आज हम लोग पढ़ेंगे क्या राइटिंग स्किल इसमें दो ऐसे बताएंगे पहले ऐसे लिखने का तरीका बताएंगे ठीक है ये रहा तो हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं आवाज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आवाज आ रही है ना सुना अच्छी यस सर आ रही है ठीक है ध्यान से सुनना राइटिंग स्किल्स पैराग्राफ राइटिंग वैल्यूएबल पॉइंट्स फॉर राइटिंग गुड पैराग्राफ एक पैराग्राफ एक अच्छा पैराग्राफ लिखने के लिए या फिर अच्छा ऐसे लिखने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स को माइंड में रखना जरूरी है उसको ध्यान से नंबर वन ए पैराग्राफ इज ए शॉर्ट कंपोजिशन ऑन ए सिंगल थीम पैराग्राफ क्या होता है किसी एक सिंगल थीम पर मतलब किसी एक टॉपिक पर सिंगल थीम पर एक शॉर्ट कंपोजिशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है ऑल सेंटेंसेस इन ए पैराग्राफ शुड बी रिलेटेड टू ए सिंगल और जो टॉपिक लिखा जाता है जो भी थीम लिखा जाता है तो उसके अंदर जो भी बात लिखेंगे उसी से रिलेटेड होना चाहिए ये नहीं कि टॉपिक कुछ और है और तुम घर में अपना अपना जी अपने जीवन का सारा बात लिख रही हो वैसा नहीं ठीक है द फर्स्ट सेंटेंस गिव्स आइडियाज इन द पैराग्राफ और इसी पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे तो उससे आइडिया पता चल जाना चाहिए साहब द फर्स्ट सेंटेंस शुड इंट्रोड्यूस द थीम और पहला सेंटेंस जो है थीम को इंट्रोड्यूस करे टॉपिक को नेक्स्ट फ्यू सेंटेंसेस शुड डेवलप द थीम और दूसरा फिर दूसरा तीसरा फिर जितना बस क्या सेंटेंस से लाइन लिखोगे वो इस थीम पर ही टिका हुआ होना चाहिए द लास्ट सेंटेंस शुड कंक्लूड द आइडियाज इन क्लियर मैनर लास्ट सेंटेंस लास्ट फ्यू सेंटेंसेस लास्ट का जो कुछ सेंटेंसेज होता है उसको अच्छी तरह से कंक्लूड करना चाहिए Always supply suitable heading to the paragraph. और उसके heading जो लिखना है suitable heading. जैसे चांद के बारे में अगर लिख रहे हैं तो वहाँ पर heading सूरज नहीं लिखना समझ में आएगा If you are writing about moon, so you have to put the heading on the moon. You don't need to write something else. Understood? Yes, sir. अच्छा तुम लोग बेहतर समझ पाओ उसके लिए हम हिंदी में बोल रहे हैं बाद में कोई बोलना मत कि समझ में नहीं आया सर Be careful about grammatical correctness, punctuation marks and spelling और हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि grammatical mistake नहीं होना चाहिए जैसे punctuation mark, comma कहाँ लगेगा full stop कहाँ लगेगा exclamation mark कहाँ लगेगा question mark कहाँ लगेगा वगैरह वगैरह अब इसी पर एक sample paragraph दिया गया है और उसके बाद page number 134 पर तीन topic जिस पर ऐसे लिखना है या पैराग्राफ इट है माय फेवरेट हॉलीडे एजुकेशन सॉरी माय फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन इज रिटन हियर देन इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स बुक्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड्स ओके यस सर लेकिन एग्जाम में ये बुक में जो तीन टॉपिक दिया गया है इससे नहीं रहेगा कौन कौन सा टॉपिक रहेगा वो इम्पोर्टेंट दो टॉपिक हम दिखाते हैं वही से एग्जाम में आते हैं और उस पर ऐसे हम लिख पाएंगे उसी को ही पढ़ना है याद करना है बुक में जो दिया हुआ है इसको नहीं करना ठीक है ओके सर मैं दो इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखता हूँ और उसके बाद उस पर मैं ऐसे लिखूंगा तुम लोग भी उसको करना सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फाइनल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक्स और एनुअल सिलेबस एनुअल एग्जाम ओके नंबर वन टॉपिक यू हैव टू राइट लाइफ इन ए विलेज नंबर वन टॉपिक लाइफ इन ए विलेज
सेकंड नंबर टॉपिक क्लीनलीनेस नीड ऑफ द आवर. क्लीनलीनेस नीड ऑफ द आवर. ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे बच्चे और इस टॉपिक पर मैं ऐसे लिखवाऊंगा और उसी को पढ़ूंगा और ये सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट होगा फिर फाइनल एग्जाम के. ठीक है? ओके सर. टॉपिक तुम लोगों ने लिखा सारे बच्चों ने? Have you completed? Have you written down? Yes, sir. Okay. अब ध्यान से सुन. आज मैंने टॉपिक लिखाया है. इस टॉपिक पर ऐसे मैं नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा, मतलब कल. तो अब इस टॉपिक कल मैं एक ऐसे लिखाऊंगा, तो नेक्स्ट से दूसरे टॉपिक पर दूसरा ऐसे लिखा और फिर इसी को पढ़ना है. फिर उसके बाद मैं लेटर बताऊंगा, ऐसे लेटर हो जाएगा, फिर सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग ऑनलाइन टेस्ट रिवीजन ये सब शुरू कर देंगे. ठीक है? ओके सर. तेजस्वी हाँ सर. सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है. अभी सब सुन कैसे रहा है? अच्छी आवाज नहीं आ रही है. बाय बोलने के लिए हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं. बाय एवरीवन. बाय सर. बाय सर. बाय सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर. बाय सर. थैंक यू सर.